सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको कोई भी एडिटिंग ट्यूटोरियल नहीं सिखाने वाला हूं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम करेंगे 100 के स्पेशल Q&A। और जब मेरे 100 के कंप्लीट हुए थे तब आपका बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ गया था कि हमें जो है 100 के पे Q&A वीडियो चाहिए, तो मैं जो है आज इसे लेके आ चुका हूं। और मैंने जो है इतना लेट क्यों हुआ और एक हफ्ते से मैंने वीडियो क्यों नहीं डाला, आप इस वीडियो में सब जान जाओगे, तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखते रहना। और अगर आपका मैंने कमेंट को पिक नहीं किया तो दिल से सॉरी, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो कितने सारे यहाँ पे Q&A में कमेंट्स आ गए थे, तो इतने सारे कमेंट को रिप्लाई देना तो मेरे लिए बस की बात नहीं है। तो प्लीज़ अगर आपका मैंने कमेंट का रिप्लाई नहीं दिया तो माफ़ कर देना, और इस वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। लाइक हम 3500 लाइक्स का टारगेट रखते हैं, कंप्लीट करा देना, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं रख रहा हूँ और फर्स्ट टाइम भी Q&A वीडियो हो रहा है, तो प्लीज़ कंप्लीट करा देना। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो Q&A स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ कमेंट्स क्वेश्चन के रिप्लाई दे देता हूँ। तो मेरा पूरा नाम चंदन कुमार शाहू है और मेरा जो एज है 18+ है, और मेरा जो बर्थडे है वो जून 16 को है और सिर्फ 10 दिन रह गए हैं, और मैं जो है ओडिशा का हूँ बट मैं रहता हूँ हैदराबाद में और यहाँ पे स्टडी करता हूँ। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना Q&A। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पिक किया है HD गेमर्स का, और इन्होंने पूछा है कि भाई आप एडिटिंग के लिए कौन सा मोबाइल यूज़ करते हो। तो मैं जो एडिटिंग के लिए यूज़ करता हूँ रेडमी नोट 10 प्रो। और जो सेकंड क्वेश्चन है कि आपके पास लैपटॉप पीसी है, तो मेरे पास जो है अभी लैपटॉप पीसी फिलहाल नहीं है बट मैं ट्राई करूंगा फ्यूचर में बाय करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है ब्रह्मंश का, और इन्होंने पूछा है भाई अपना फोटो एडिटिंग का आइडिया कहाँ से लाते हो और कैसे उसे बनाते हो। तो मैं जो है गूगल पे सिंपल से चला जाता हूँ और वहाँ पे लिख देता हूँ न्यू कॉन्सेप्ट फोटो एडिटिंग। तो सर्च करने के बाद मेरे सामने बहुत सारे फोटोज आ जाते हैं, उसमें से जो है मैं सब में से थोड़ा थोड़ा ऐसे लेके खुद का एक कॉन्सेप्ट बनाता हूँ, और आप भी इसी स्टेप को फॉलो करके खुद का कॉन्सेप्ट बना सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है मिस्टर एक्लिप्स का, और इन्होंने पूछा है आप पिक्सार्ट से ही फोटो एडिट क्यों करते हो। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो पिक्सार्ट है उसमें जो है सबसे अच्छा मैनिपुलेशन होता है, मतलब उससे अच्छा ऐप और नहीं है, और स्नैपसीड है बट उसमें मैंने जो अभी तक ट्राई नहीं किया मैनिपुलेशन करने का, इसलिए जो है मैं सबसे ज़्यादा पिक्सार्ट ऐप यूज़ करता हूँ। और जो सेकंड क्वेश्चन है हु इज़ योर इंस्पिरेशन, तो मैं जो है किसी से इंस्पायर होकर नहीं आया था, मतलब वीडियोज़ देख रहा था यूट्यूब पर, तो जो भी फोटो एडिटिंग रिलेटेड वीडियोज़ देख रहा था तो मेरे माइंड में भी था कि मैं भी इस तरह का वीडियो बना सकता हूँ, और तब जो है लॉकडाउन था तो लॉकडाउन में तो कोई काम धंधा नहीं था, इसलिए जो है मैंने फोटो एडिटिंग रिलेटेड वीडियोस डालना स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है SPG गेमिंग का, और इन्होंने पूछा है कि हम फोटो एडिटिंग करके मोबाइल से पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो मोबाइल से मतलब फोटो एडिट करके पैसे कमाने का सबसे अच्छा रास्ता इंस्टाग्राम है। आप इंस्टाग्राम में जो है अपना जो भी फोटो एडिटिंग करोगे उसको आप अपलोड करते जाना, और अगर आपके फॉलोअर्स को अच्छा लगता है तो वो लोग आपको DM में रिप्लाई कर देंगे कि हमें भी इस तरह का एडिट करना है, जो अमाउंट चाहिए आप ले सकते हो, वैसे करके आप जो है पैसे इनकम कर सकते हो फोटो एडिट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है पृथ्वी जोशी का, और इन्होंने दो क्वेश्चन पूछा है। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ योर फेवरेट गेम। तो मेरा जो है कोई फेवरेट गेम नहीं है, मैं जो गेम से बहुत ज़्यादा रेयरली खेलता हूँ, और दो गेम्स है मेरे फ़ोन में, एक PUBG और एक फ्री फायर है। और सेकेंड क्वेश्चन है फ्रॉम विच एडिटिंग सॉफ्टवेयर यू एडिट योर वीडियो। तो मैं जो है काइन मास्टर से एडिट करता हूँ अपने जो भी वीडियो से, और काइन मास्टर से एडिट करके उसे अपलोड करता हूँ यूट्यूब पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है फ्री फॉल गेमिंग का, और इन्होंने पूछा है कि आप GTA 5 फोटो एडिटिंग वीडियो कब बनाओगे। तो बहुत सारे लोगों का जो है कमेंट्स आते रहता है कि GTA 5 फोटो एडिटिंग हमें चाहिए, एक महीने से मुझे आ रहा था, तो मैं जो है ट्राई करूँगा अभी कुछ दिन में इसके ऊपर एक वीडियो लाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे पिक किया है फ्री फॉल गेमिंग का, और इन्होंने पूछा है आप फोटो एडिटिंग के लिए PNG कहाँ से लाते हो। तो इसके ऊपर जो है मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा अपने सेकेंड चैनल पर जिसका नाम CS एडिटिंग जोन है, आप सेकेंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वाले टॉपिक पर बहुत जल्दी वीडियो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है बेस्ट गेमर्स का, और इन्होंने पूछा है लाइन फॉर हेटर्स। तो हेटर्स के लिए बस एक ही लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है RDSK का, और इन्होंने पूछा है व्हाट इज़ योर फेवरेट पेट एंड लव यू ब्रो योर चैनल इज़ बैक। तो मेरा जो फेवरेट पेट डॉग है, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि चैनल इज़ बैक इन्होंने क्यों लिखा, तो मैं आपको बता देता हूँ, मेरा जो चैनल है उस पर फेक स्ट्राइक आ गया था, और मैंने जो है सोच लिया था ये चैनल अभी बचने वाला नहीं है, लेकिन मैंने जो है यूट्यूब से बात किया ट्विटर पे, तो यूट्यूब ने अभी वेरीफाई किया, मतलब अच्छे से चेक किया और स्ट्राइक को रिमूव कर दिया, क्योंकि वो वाला स्ट्राइक फेक था। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है लैगबॉट का, और इन्होंने पूछा है व्हाट इज़ योर एज। तो एज जो है मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया, और इन विच ईयर यू स्टार्टेड यूट्यूब। तो मैंने जो है 2020 के अप्रैल मंथ में स्टार्ट किया था अपना यूट्यूब, और हाउ एंड फ्रॉम वेयर डिड यू लर्न एडिटिंग। तो एडिटिंग जो है मैंने यूट्यूब से ही सीखा है सब कुछ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है रियल टॉक का, और इन्होंने पूछा है कि भाई जब वीडियो बनाना स्टार्ट किया था तो कितना व्यूज़ आते थे। तो मुझे जो है व्यूज़ आते थे, अगर सच बोलूँ तो 6 या फिर 10 व्यूज़ ही आते थे, मतलब मैक्सिमम मिनिमम 6 ही आते थे, इससे ज़्यादा नहीं आते थे, और उसमें से 2 व्यूज़ मेरे ही होते थे। और इन्होंने सेकंड क्वेश्चन पूछा है आप कहाँ से हो, मुझे आपसे मिलना है और एडिटिंग करना सीखना है, और आप मुझे सिखाओगे एंड हाँ फेस कैम करना, लव यू ब्रो। तो मैंने जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि मैं हैदराबाद के कुतबुल्लापुर में रहता हूँ, तो अगर मिलना है तो आ जाना, मैं ज़रूर मिलूँगा आपसे, लेकिन अभी जो है लॉकडाउन का सिचुएशन है तो अभी नहीं मिल सकते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है अदनान रहमान जिशान का, और इन्होंने पूछा है भाई आप फैमिली से सपोर्ट कितना पाते हो।
तो मुझे जो है फैमिली में सब सपोर्ट करते हैं और कोई भी यूट्यूब में अगर करता हूँ तो उसे टोकता नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है अल्फा एमसीपी गेमिंग का और इन्होंने पूछा है आपने अपना यूट्यूब कैसे और कब स्टार्ट किया था। तो मैंने जो है पहले ही बता दिया इसका। और क्या प्रॉब्लम आई आपके अब तक की जर्नी में? तो अब तक की जो जर्नी है इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए जो भी यूट्यूब से रिलेटेड है। पहले जो है मेरे चैनल पर मतलब व्यूज़ नहीं आते थे, वो तो कॉमन है। तो उसमें मैं जो है डिप्रेस रहता था कि मेरा व्यूज़ क्यों नहीं आ रहा है। और धीरे धीरे जब इंक्रीज़ हुआ व्यूज़ तो चैनल मोनेटाइज के लिए मैंने अप्लाई किया, तो तब मुझे यू ऑलरेडी हैव एन एडसेंस अकाउंट ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ गया था, उसे मैंने सॉल्व कर लिया। और उसके बाद जो है अभी मेरा धीरे धीरे चैनल और ग्रो होने लगा और उसके बाद मुझे आ गया फेक कॉपीराइट स्ट्राइक और उसे भी मैंने सॉल्व कर लिया। और लाइफ ऐसे ही है, बस प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, हमें उसे सॉल्व करना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है शशि कुमार का और इन्होंने पूछा है विल यू प्ले गेम इन फ्यूचर लाइक फ्री फायर, बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया एंड ऑल्सो मेक ए गेमिंग चैनल। तो मुझे जो है गेमिंग चैनल बनाने का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन जो है मैं नूब हूँ, मतलब मुझे जो है अपने गेमिंग का स्किल्स को इंक्रीज़ करने का टाइम नहीं मिलता है, इसलिए मैं जो है अभी गेमिंग चैनल नहीं खोला, लेकिन फ्यूचर में ट्राई करूँगा एक गेमिंग चैनल ओपन करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है अडेप्टिव गेमर का और इन्होंने पूछा है फेस रिवील कब होगा। तो मैंने जो है फेस रिवील अपना 50K पे ही कर दिया था, अभी भी इंस्टाग्राम पे जो है मैंने अपना 50K वाला जो फोटो है उसको अपलोड करके रखा है, आप इंस्टाग्राम में जाके देख सकते हो मतलब उस वाले फोटो को, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, और फॉलो भी कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे व्हाट इज़ योर रियल नेम, तो रियल नेम मैंने जो है वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है सौरभ FF का और इन्होंने 4 क्वेश्चन पूछा है। पहला क्वेश्चन योर फर्स्ट वायरल वीडियो, तो मेरा जो है फर्स्ट वायरल वीडियो नियॉन ग्लोइंग वेक्टर आर्ट वाला है जो अभी भी मेरा मोस्ट पॉपुलर वीडियो है। और सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट इनकम, तो फर्स्ट इनकम जो है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। और थर्ड क्वेश्चन है फेस रिवील कब करोगे, तो मैंने फेस रिवील कर दिया था 50K पे। और पेरेंट्स रिएक्शन ऑन योर फर्स्ट इनकम, तो पेरेंट्स का जो रिएक्शन था वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग था, क्योंकि यूट्यूब से इतना ज़्यादा मतलब पैसे आता है और यूट्यूब से भी पैसे आता है ये भी उनको पता नहीं था, तो मेरे पेरेंट्स जो है बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है BTC राघव YT का और इन्होंने 5 क्वेश्चन पूछा है। पहला क्वेश्चन आपने अपना मॉम डैड का वो चैनल के बारे में कब बताया? तो मैंने जो है चैनल ओपन करने से पहले ही मैंने बता दिया था कि मैं एक चैनल ओपन करने वाला हूँ यूट्यूब पे। और सेकंड क्वेश्चन है आपको 1K होने पर कैसा लगा? तो मैंने जो चैनल जब न्यू ओपन किया था तो मेरा जो मेन टारगेट था वो 1K सब्सक्राइबर था, और जो जब वो कंप्लीट हुआ तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और जो बाकी के 3 क्वेश्चन है इसका जो है मैंने रिप्लाई स्टार्टिंग में दे दिया, मतलब प्रीवियसली दे दिया वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है पंकज गेमर का और इन्होंने पूछा है, 2 क्वेश्चन पूछा है विच सॉफ्टवेयर यूज टू रिकॉर्डिंग। तो मैं जो है यूज़ करता हूँ जो मेरे फ़ोन में पहले से था स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला ऐप। और सेकंड क्वेश्चन आपका फर्स्ट पेमेंट पे आपको क्या रिएक्शन था? तो मेरा जो है फर्स्ट पेमेंट था वो जब आया था वही मेरे मतलब लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पिक किया है राज किरण सिंह का और इन्होंने पूछा है कब से एडिटिंग का भूत सवार है? तो एडिटिंग का भूत तो बचपन से ही सवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है RT वर्ल्ड का और इन्होंने पूछा है अपने GF का नाम बताओ भाई। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर GF ही नहीं है तो नाम कैसे बताऊँ, और अगर GF होती तो आज शायद मेरा यूट्यूब चैनल भी ना होता। तो हमारे Q&A वीडियो का लास्ट क्वेश्चन मैंने पिक किया है APZ पिक्चर का और इन्होंने पूछा है भाई आपकी मंथली इनकम यूट्यूब से? तो यूट्यूब से जो है आप यहाँ पे मतलब मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता कितना इनकम आता है, क्योंकि ये यूट्यूब के गाइडलाइंस के खिलाफ है। तो मैं जो है आपको एक फ़ोटो शेयर किया, आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें जितने नोट्स है उसको आप काउंटिंग कर सकते हो और बिल्कुल एग्जैक्टली इतने ही मतलब मेरे को जो है पैसे आते हैं मंथली इनकम। और अगर मैं टोटल अर्निंग की बात करूँ कि अब तक मैंने यूट्यूब से कितना इनकम किया, तो मैं जो है कैनन 200D खरीद सकता हूँ मतलब अब तक का टोटल इनकम से। तो आप जाके सर्च कर सकते हो कैनन 200D का प्राइस। तो आज का ये वाला Q&A वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अगर आपको लग रहा होगा कि मैंने जो आपका क्वेश्चन को इग्नोर किया और मैंने रीड भी नहीं किया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने सारे क्वेश्चंस को रीड किया है, लेकिन वीडियो में उसे बताना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और आपका अगर क्वेश्चन इससे रिलेटेड था मतलब इस वीडियो में मैंने जो भी पिक किया है, तो आप ये समझ लेना कि मैंने आपका भी रिप्लाई दे दिया है। और जिनके भी मैंने क्वेश्चन को पिक नहीं किया उनको मैं दिल से सॉरी बोलना चाहता हूँ। सो आई होप गाइस आपको ये वाला वीडियो जरूर से पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको फोटो एडिटिंग रिलेटेड वीडियोज़ देखना है, क्योंकि अब से जो है रेगुलर वीडियोज़ आएंगे हमारे चैनल पर। और इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं फिर अभी अगली वीडियो पर।